हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने कल पढ़ाई की आपके हिंदी में आपके बुक का नाम भी बताया कि जिनका नाम है आपके हिंदी बुक का K.G2 का जो हिंदी बुक है उसका नाम है स्वर नाम का, आपको भी पता होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको स्वर पढ़ाई थी, आज मैं आपको आपके बुक में व्यंजन पढ़ाऊंगी। आप भी अपने बुक में व्यंजन पढ़िएगा, पेज नंबर 4 में दिया है। तो क्या क्या दिया है आपके इसमें पेज नंबर 4 में जो आपको व्यंजन दिखा है, आप उस बुक को खोलिएगा, खोल के पढ़िएगा। आपका क्या दिया है, कस्य, कस्य आपका दिया है कबूतर, पिक्चर देख के तो आप पहचान जाएंगे। उसके बाद ख से आपका दिया है खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, फिर कक का घर अंग, फिर आपका च से क्या दिया है, च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झंडा, फिर नियम चचा, फिर आपका क्या दिया है, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, उसके बाद क्या है अड़, फिर आपका क्या है ट से तरबूज, ठ से थर्मस, द से दवा, ध से धनुष, न से क्या दिया हुआ है नल, फिर प से क्या दिया है पतंग, फ से आपका दिया है फल, ब से आपका दिया है बतख, घ से भालू, म से मछली, य से यज्ञ, फिर र से रथ, ल से लट्टू, व से वक, स से सलगम, फिर ष से षटकोण, ष से सपेरा, व से हल, छ से छत्री, प्र से पिशु, य से ज्ञानी। उसके बाद जो अतिरिक्त है उसमें क्या है आपका, स से दिया है श्रमिक, अड से आपका क्या हुआ सड़क, ड से आपका क्या हुआ सड़क, फिर ड से क्या हुआ पढ़ना, ड के नीचे बिंदी लगा देंगे उसको क्या पढ़ेंगे ड, और ड के नीचे बिंदी लगाएंगे उसको पढ़ेंगे ड सड़क, और ढ के नीचे लगाएंगे तो उसको पढ़ेंगे ड पढ़ना। आप उसको अच्छे से बुक में देख के पढ़िएगा, आपको याद होना चाहिए। आपका व्यंजन में क्या है, कख ग घ क ङ घ, च छ झ झ ञ, च छ झ झ ञ, ट ठ ड ढ ख ड, क थ ग थ न, प ख ग भ म, य र ल व स श ष, ह छ त्र य। आप भी इसको ऐसे पढ़िएगा, कैसे पढ़िएगा मैं आपको एक बार और बताती हूँ। आप पढ़िएगा कख ग घ क ङ घ, च छ झ झ ञ, ट ठ ड ढ ख ड, क थ ग घ न, प ख ग भ म, य र ल व स श स, ह छ त्र य। आप भी अपने बुक में इसको ऐसे पढ़िएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जब पढ़ेंगे आपका क्या दिया हुआ है, बिना मात्रा के दो अक्षर वाले शब्द। आप पहले अक्षर को अच्छे से पहचानिए और किस अक्षर से कौन सा शब्द शुरू होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए आप मन लगा के पढ़िए। आपको ऑल सब्जेक्ट मन लगा के पढ़ना पड़ेगा, आप खाली मैथ पढ़ लेंगे तो ऐसे तो नहीं होगा। आपके सब्जेक्ट में हिंदी, मैथ, इंग्लिश जो जो है आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना है और हर सब्जेक्ट के टीचर का होमवर्क करके देना है। घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और अपने पेरेंट्स का कहना